हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम भवार और आप देख रहे हो टेक्रिक। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो टाइल्स आप खरीदने जा रहे हो तो उसके अंदर तीन ऐसी चीजें जो आपको टाइल्स देखने और परखने में बहुत ही फायदेमंद रहेगा दोस्तों। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप टाइल्स लगाने की सोच रहे हो या फिर टाइल्स लगाना चाहते हो आपके घर में, तो जो दुकान वाला रहता है दोस्तों उनके लिए तो क्या सभी चीज एक जैसी रहती है, उनके लिए आप ये लो या वो लो किससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको दोनों माल बेचना रहता है। इसलिए हम आज आपको बताएंगे कि आपके घर के लिए कौन सी बेस्ट टाइल्स रहेगी और टाइल्स खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे मेन टॉपिक यही रहेगा आज का। क्योंकि टाइल्स खरीदते समय दोस्तों उनके लिए क्या है कि माल को निकालना रहता है और डिफेक्ट माल वो ज्यादा करके ना फोर्स करके ना आपको निकालने पे मजबूर कर देते हैं दोस्तों। दुकान वाले क्या करते हैं कि जो माल डिफेक्ट रहता है उनको बेचने की उनको ज्यादा जल्दी रहती हो, जो माल सही है वो मतलब कि उनको बेचने की इतनी होने तो सही माल तो भिग ही जाएगा। इसलिए आपको टाइल्स खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना दोस्तों, हम आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आप अगर मान लो वीडियो बनाए हैं तो प्लीज लाइक करिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। आज हम जो बात करने वाले दोस्तों यहाँ पे जो टाइल्स है, टाइल्स दोस्तों दो या तीन प्रकार की नहीं, टाइल्स कई प्रकार की आती है जो हम आज आपको बताएंगे। आपका जो घर के लिए जो टाइल्स रहती है दोस्तों, जो जनरली लगती है टाइल्स, हम उसी के बारे में बात करेंगे और उसमें आपको क्या किन बातों का ध्यान रखना है वही सबसे मेन चीज है दोस्तों। आपको करना क्या है दोस्तों, टाइल्स दो प्रकार की आती है। अभी जो चल रही है ट्रेंडिंग में, जो मतलब की चल रही है, वो चल रही है ये, एक तो चल रही है दोस्तों डबल चार्ज और एक चल रही है सिंगल चार्ज। अब डबल चार्ज और सिंगल चार्ज का क्या फंडा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइल्स है, ये जो है दोस्तों ये है सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज का मतलब वो आपको बताएंगे, वो समझा तो देंगे, पर बाकी हम आपको जो टाइल्स लेने से पहले ही समझा देते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है टाइल्स लेने में। सिंगल चार्ज का मतलब रहता है दोस्तों कि जो उसकी जो पॉलिश रहती है ऊपर वाली, वो बहुत ही पतली वाली पॉलिश लेती है। अगर मान लो कोई नुकीली चीज से अगर वो निकल जाती है पॉलिश, तो वहां पे वो टाइल्स का कलर खत्म हो जाता है। यह है तो होता है मतलब कि सिंगल चार्ज, मतलब कि इसी को वो बोलते हैं कि सिंगल चार्ज। अब बात करते हैं हम ये जो दूसरी वाली जो टाइल्स देख रहे हो यहाँ पे, ये है जो दोस्तों मतलब की ये है डबल चार्ज। डबल चार्ज का क्या मतलब है, चार्ज मतलब की क्या होता है, तो चार्ज का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि चार्ज का मतलब ये है कि जो टाइल्स की जो थिकनेस है, जितने भी थिकनेस है टाइल्स की दोस्तों, उसमें से आधी इसमें मटेरियल ऊपर की जो पॉलिश है उसी मटेरियल से बनी हुई है। ये मतलब कि अगर मान लो इसमें खरोच लग भी जाती है तो ये अंदर से वही कलर निकालेगी जो इसका ऊपर मेन कलर है दोस्तों। तो ये सिंगल चार्ज और डबल चार्ज का तो एक ये फंडा हो गया। और जब तीसरी टाइल्स की हम बात करते हैं दोस्तों, ये है मतलब की नेट फिनिश टाइल्स। नेट फिनिश टाइल्स दोस्तों ये मतलब फिसलने वाली टाइल्स नहीं रहती है, एकदम ये जो फिसलती नहीं है ये, तो इसलिए इसको नेट फिनिश बोलते हैं दोस्तों। इसका नाम मतलब नेट फिनिश इन लोगों ने रखा है। तो नेट फिनिश का मतलब क्या रहता है दोस्तों कि जो आप पानी की सतह में जो आप लगाओगे इसको, तो इसमें यहाँ फिसलने का बहुत ही कम चांस, मतलब फिसलती नहीं है ये। और जो बाकी ये जो मैंने दो टाइल्स बताई है दोस्तों, इनमें फिसलने का डर रहता है, पानी की सतह में इनको यूज ना करें। तो नेट फिनिश की अगर हम बात करते हैं, ये सिंगल चार्ज में आती है दोस्तों, ये डबल चार्ज में नहीं आती है नेट फिनिश। और इसकी जो पॉलिश अगर क्रोच अगर मान लो लग जाती है तो इसकी पॉलिश फिर निकल जाएगी और उसका जो कलर अंदर से निकलेगा वो अलग रहेगा, जो ऊपर जो दिखती है ये सब नहीं रहेगा दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दोस्तों की टाइल्स के बारे में काफी मतलब की जानकारी हम आपको और भी दे देंगे। अगर मान लो कॉमेंट में अगर आप क्वेश्चन करोगे तो हम उसके बारे में आपको बता देंगे दोस्तों। तो